इंसान जो भी करता है, अच्छा बुरा, उसकी पसंद नापसंद, वो सब कुछ स्टोर होती है। पता है कहाँ पे? आपके मोबाइल और कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज के समय में ये सारी चीजें नॉर्मल है कि लोगों के पास एक सुंदर सा और अच्छा फोन ना हो और वो फोन उनके हाथों से चोरी या फिर गुम ना हुआ हो। ये शायद ही किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि आज के समय में हर किसी का फोन शातिर बदमाशों के हाथों या तो छीन लिया जाता है या फिर चोरी हो जाता है, और ऐसे में कई लोग तो इन मामले में कुछ भी नहीं कर पाते। उनका लाखों का फोन चोरों के हाथ लग जाता है और वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला जब पुलिस तक जाता है तो वो किस तरीके से शातिर बदमाशों के लोकेशन को ट्रैक करके उन्हें पकड़ लेते हैं। हालांकि कई मामलों में पुलिस वाले अपने कानों में तेल डालकर सो जाते हैं, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये आज के समय में काफी नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर इन्हीं में कोई हाई प्रोफाइल केस हो तो वो इस मामले को तहकीकात तक पहुंचा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पुलिस वालों के हाथ में फोन को चोरों के हाथों से वापस लाने में कितनी पावर होती है और वो किस तरह से लोकेशन चेक कर कुछ ही घंटों में उन फोन को हमारे पास वापस ला सकते हैं। लेकिन अधिकतर केस में ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद भी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस वाले कैसे फोन चोरी हो जाने पर उसे ट्रैक करते हैं। दोस्तों, पुलिस मोबाइल कैसे ट्रैक करती है? अक्सर हमारे मन में जिज्ञासा उठती है कि क्या हम भी किसी के फोन को ट्रैक कर सकते हैं या नहीं, और आखिर कैसे पुलिस मोबाइल ट्रैक करके चोर को पकड़ती है। जब किसी व्यक्ति का फोन चोरी हो जाता है तो उस व्यक्ति को मजबूरन पुलिस के पास जाना ही पड़ता है, जिसके बाद काफी दिनों के बाद शायद ही उसे अपना फोन मिल पाता है। ऐसे में बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग में क्या प्रक्रिया अपनाई होगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पुलिस मोबाइल कैसे ट्रैक करती है। जब किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम या चोरी हो जाता है तो उस समय वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने फोन के गुम होने या चोरी होने की सूचना पुलिस को देता है, जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उस व्यक्ति से उसके मोबाइल फोन का IMEI नंबर मांगती है। ये IMEI नंबर आपके खरीदे गए मोबाइल के बॉक्स पर लिखा होता है। इसके बाद पुलिस के द्वारा मोबाइल खोजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे की प्रक्रिया जान लेने से पहले आपको IMEI नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। IMEI नंबर क्या होता है? IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। मोबाइल कंपनीज के द्वारा हर मोबाइल को यूनिक IMEI नंबर दिया जाता है। साथ ही IMEI के द्वारा गुम या चोरी हुए फोन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। IMEI नंबर आपके मोबाइल के बॉक्स पर लिखा होता है। आप अपने फोन से भी *#06# लगाकर अपने फोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। मोबाइल फोन खरीद लेने के बाद आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो इसी IMEI नंबर के द्वारा पुलिस ये पता करती है कि ये फोन आपका है या नहीं। इसलिए IMEI नंबर को कहीं नोट कर लें या फिर मोबाइल बॉक्स को हमेशा संभाल कर रखें। हालांकि अब आपने अच्छे से जान लिया कि IMEI नंबर का क्या महत्व है। पुलिस के द्वारा आपसे IMEI नंबर पूछ लेने के बाद उस IMEI नंबर को पुलिस सभी सिम ऑपरेटर कंपनीज के पास भेज देती है और कंपनीज को IMEI नंबर पर नजर रखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस IMEI नंबर वाले मोबाइल को स्विच ऑन करता है और उसमें किसी भी कंपनी का सिम डालता है तो उस सिम ऑपरेटर कंपनी को तुरंत पता लग जाता है कि इस IMEI नंबर वाला मोबाइल फोन चालू हो चुका है, जिसके बाद सिम ऑपरेटर कंपनी ये सूचना पुलिस को देती है। इसके बाद पुलिस ये पता करने के लिए कि ये फोन किस जगह पर प्रयोग किया जा रहा है, इसमें पुलिस के द्वारा ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। ट्रायंगुलेशन मेथड क्या है? मोबाइल में सिम डालते ही सिम ऑपरेटिंग कंपनी को पता लग जाता है कि मोबाइल किस टावर के नजदीक है। इसमें अभी सिम कंपनी के द्वारा एक ही टावर से अंदाजा मिलता है, इसलिए मोबाइल की सही लोकेशन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ट्रायंगुलेशन मेथड के तहत 3 टावर की रेंज का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए पुलिस के पास मोबाइल के नजदीकी 3 टावर की जानकारी सिम कंपनी की सहायता से मिल जाती है। इन टावर की सहायता से अगर अपराधी सबसे पहले टावर की 2 किलोमीटर और दूसरे टावर के 3 किलोमीटर और तीसरे टावर के 2.5 किलोमीटर एरिया से दूर है तो पुलिस को इन तीनों टावर की मदद से सबसे नजदीकी एरिया मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस उस एरिया में जाकर तलाशी अभियान शुरू करती है और अपराधी को पकड़ लिया जाता है।
बता दें कि IMEI नंबर के द्वारा ट्रायंगुलेशन मेथड का प्रयोग कर पुलिस मोबाइल की एकदम पॉइंट लोकेशन तक नहीं पहुंच सकती। हालांकि पुलिस को सबसे नजदीकी छोटा एरिया मिल जाता है जहां छानबीन कर मोबाइल खोजा जाता है। इसमें सबसे जरूरी बात तो यही है कि आप कीपैड फोन का उपयोग कर रहे हो या स्मार्टफोन का, क्योंकि कीपैड फोन में सिर्फ IMEI नंबर की मदद से फोन ट्रैक होता है, वहीं स्मार्टफोन में पुलिस IMEI नंबर, GPS ट्रैकिंग, IP एड्रेस जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर फोन को खोज सकती है। पुलिस द्वारा मोबाइल ट्रैक करने के 3 तरीके। अगर आपका मोबाइल चोरी या गुम हो जाता है तो पहले के मुकाबले अब मोबाइल ट्रेस करना आसान हो गया है, क्योंकि अब स्मार्टफोन में GPS ट्रैकिंग और IP एड्रेस जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जिसकी मदद से आरोपी को उसके घर जाकर दबोचा जा सकता है। आइए पुलिस के द्वारा मोबाइल ट्रेस करने के इन 3 तरीकों को अच्छे से समझते हैं। IMEI नंबर से ट्रैकिंग। पुलिस के द्वारा IMEI नंबर से मोबाइल ट्रैक के तरीके को ट्रायंगुलेशन मेथड कहा जाता है। कीपैड फोन्स और स्मार्टफोन्स दोनों को IMEI के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, परंतु IMEI नंबर से मोबाइल की पॉइंट लोकेशन नहीं मिलती। GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से ट्रैकिंग। GPS से मोबाइल ट्रैक करना काफी आसान है। इस तरीके से सिर्फ स्मार्टफोन और कंप्यूटर डिवाइस में GPS हो, ऐसे डिवाइसेस को ट्रैक किया जा सकता है और GPS ऑन होना चाहिए। GPS का प्रयोग करके भी मोबाइल की पॉइंट लोकेशन नहीं मिलती, परंतु IMEI ट्रेसिंग से ज्यादा उपयोगी है IP एड्रेस से ट्रैकिंग। IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसके द्वारा स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे इंटरनेट से चलने वाली हर डिवाइस की एकदम पॉइंट लोकेशन को ढूंढा जा सकता है, यानी कि पुलिस IP एड्रेस को ट्रेस कर सीधा आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अब आप कहेंगे कि IP एड्रेस तो बदलता रहता है। जी हाँ, आप सही है, परंतु ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास डेटा होता है कि किस समय और तारीख पर कौन सा IP एड्रेस नंबर किस डिवाइस में एक्सेस किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी तरह का गलत कार्य करता है तो पुलिस और कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है, तब ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से छानबीन की जाती है। बाकी कोई भी आम व्यक्ति किसी का भी IP एड्रेस का प्रयोग कर किसी को ट्रैक नहीं कर सकता। पुलिस द्वारा मोबाइल ट्रेसिंग में आने वाली समस्याएं। अगर पुलिस को कीपैड फोन को ट्रेस करने के लिए कहा जाए तो शायद ही आपको अपना कीपैड फोन वापस मिल पाए, क्योंकि इसमें ट्रायंगुलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है जिसमें काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ती है। इसके अलावा न ही कीपैड फोन में GPS की सुविधा होती है जिससे मोबाइल का पता लगा सके, और जितना पैसा पुलिस उस फोन को खोजने में लगा देती है उतने का वो मोबाइल नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा समस्या पुलिस को कीपैड फोन को ट्रेस करने में आती है। क्या कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट मोबाइल ट्रैक कर सकती है? जी नहीं, ऐसी कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं है जो आपके फोन की सही लोकेशन बता सके। हालांकि कई एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिर्फ स्टेट का नाम बता देती हैं, परंतु पॉइंट लोकेशन का पता कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं बता सकती। यूजर के डेटा की जानकारी ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है, जो एकदम गोपनीय है। सिर्फ कोर्ट की परमिशन से पुलिस ISP की सहायता से अपराधी की पॉइंट लोकेशन पता कर सकती है। क्या सिर्फ पुलिस ही मोबाइल ट्रैक कर सकती है? जी हाँ, सिर्फ पुलिस ही किसी अपराधी के फोन को ट्रैक कर सकती है। पुलिस के पास वे सभी सेवाएं मौजूद होती हैं जो किसी भी मोबाइल को ट्रैक करने में प्रयोग की जाती है। इसमें पुलिस सिम ऑपरेटिंग कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसी सभी सेवाओं के सहयोग से मोबाइल ट्रैक कर सकती है। अगर कोई आम व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो ये एक अपराध माना जाएगा। आखिर में दोस्तों, इस ऑनलाइन दुनिया में सब कुछ संभव है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करता है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको मुश्किल में डाल दे। आपको मोबाइल ट्रैकिंग के अलावा और तरीकों से भी खोजा जा सकता है, इसलिए सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।